मिल्टन फ्रेडमैन एक ग्रेट इकोनॉमिस्ट हुए जिन्होंने 1980s में अपनी बुक फ्री टू चूज पब्लिश की थी। इस बुक में उन्होंने फ्री मार्केट कैपिटलिज्म के वर्च्यूज के बारे में चर्चा की है। इस किताब में उन्होंने हार्ड वर्किंग फैमिलीज के पॉवर्टी से बाहर आने से लेकर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बढ़ाने और पूरी इकोनॉमी के मॉडर्नाइज होने तक की बातें की हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स, वो और उनकी वाइफ एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि फाइनेस्ट एग्जाम्पल में से एक है कि क्या होता है जब गवर्नमेंट्स अपने हाथ इकॉनमी के पहिए पर से हटा देती हैं। इंटरेस्टिंगली, उनका यूटोपियन रीजन US नहीं था, बल्कि हंड्रेड्स माइल दूर था, हांगकांग। कोट, द मॉडर्न एग्जाम्पलर ऑफ द फ्री मार्केट एंड लिमिटेड गवर्नमेंट। फ्रेडमैन इतने प्रभावित थे कि उनकी कैपिटलिज्म की एप्लीकेशन को उन्होंने अपनी जिंदगी के बचे हुए वर्षों में इस पर टॉक्स कंडक्ट की, आर्टिकल्स लिखे और दुनिया भर में घूमकर इसकी चर्चा की। हांगकांग दोस्तों रैक्स टू रिचेस की कहानी का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। इसमें से कुछ महत्व इसके इंफ्रास्ट्रक्चर और फिजिकल डेवलपमेंट का भी है। विक्टोरिया हार्बर 1890 में एक पिछड़ा, पुअर और निग्लेक्टेड पोर्ट था जिस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई ध्यान नहीं दिया था। 1960 तक इसमें कुछ बदलाव हुए थे और फाइनली आज का हांगकांग पूरी क्षमता के साथ अपनी वर्टिकल ग्लोरी में भरा हुआ है। 20th सेंचुरी के एंड होने तक ये ब्रिलियंट एग्जाम्पल बनकर सामने आया। टुडे हांगकांग में न्यूयॉर्क की तुलना में 70% ज़्यादा स्काई स्क्रैपर्स हैं, जिससे हांगकांग आसमान छू रहा है। इसकी पर कैपिटा GDP अपने आप में फॉर्मिडेबल है, जिसने इसके कॉलोनियल रूलर यानी ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ दिया है। ये किसी मिरेकल से कम नहीं है, जबकि USA कैपिटलिज्म से अपने साइज के कारण ज़्यादा क्लोजली रिजेंबल करता है। कुछ मामलों में USA फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क मॉडल से ज़्यादा रिजेंबल करता है, ना कि हांगकांग से। फ्रेजर इंस्टीट्यूट एंड हेरिटेज फाउंडेशन के अनुसार दुनिया में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां प्राइवेट ओनरशिप ज़्यादा है और पब्लिक एक्सपेंडिचर कम है। सिंपलर टैक्स लॉज हैं और रेगुलेशंस कम हैं। इवन हांगकांग का लीडर भी चीफ एग्जीक्यूटिव कहलाता है। सबसे पहले ये शिपिंग कंपनी के मालिक और बिलियनियर CEO तुंग छी हुआ थे। लेकिन कैपिटलिज्म से हांगकांग का नाता इनफैक्ट हिस्टोरिकल हैपेंस्टेंस से ज़्यादा नज़र आता है, और ऐसे में फ्रेडमैन शायद पूरे वक्त गलत रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। ब्रिटिश रूल के दौरान ग्लोबली दोस्तों कॉलोनियल ब्यूरोक्रेट्स सीधे लंदन से नहीं भेजे जाते थे, पर उन्हें कॉलोनीज में भी बीच बीच में बदल दिया जाता था। किसी कॉलोनी ए में सर्व करने के बाद उसका ट्रांसफर कॉलोनी बी में कर दिया जाता रहा था। एग्जाम्पल देखें तो डेनिस रॉबर्ट्स ने अपने करियर को आर्मी से शुरू किया, जिसके बाद अफ्रीका में ब्रिटेन के प्रोटेक्टरेट न्यासालैंड में पोस्ट किए गए और फिर जिब्राल्टर और फिर हांगकांग के चीफ जस्टिस बनाए गए। इन सभी प्रोसेसेस के चलते जब ब्रिटेन एम्पायर खत्म होने लगा तो हांगकांग की एक मेजर होल्ड आउट बाकी रहा। ऐसे में लंदन और उसकी डिस्टेंस कॉलोनी यानी हांगकांग के बीच स्टाइल और फिलॉसफी में एक सिग्निफिकेंट इनॉर्मस डिफरेंस पैदा हो चुका था। इसे मिल्टन फ्रेडमैन ने इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट कहा है। ब्रिटेन और हांगकांग ने टोटली डिफरेंट दो इकोनॉमिक सिस्टम्स परस्यू किए। एक ने हैंड्स ऑन सिस्टम रखा तो वहीं दूसरे ने हैंड्स ऑफ। इस फ्री मार्केट नैरेटिव के पीछे सभी रीजंस में से एक थे हांगकांग के 1960s में फाइनेंस सेक्रेटरी रहे जॉन जेम्स कॉपरथवेट। उन्हें लगता था कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन अच्छा कम और बुरा ज़्यादा करता है और साथ ही साथ प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। कॉपरथवेट एक्सीडेंटली एक कैपिटलिस्ट हीरो बन गए जब फ्रेडमैन उन्हें एक स्टॉप ओवर में अचानक मिले। जब जॉन जेम्स कॉपरथवेट से लोकल इकोनॉमी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फ्रेडमैन से कहा कि उन्हें ऑनेस्टली कोई आइडिया नहीं है। वो फिलोसॉफिकली कोई रिकॉर्ड रखने में विश्वास नहीं रखते थे, क्योंकि ऑफिशियली रिकॉर्ड होने से गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने के ग्राउंड्स मिल जाते हैं। उनके सक्सेसर ने इस डू नथिंग अप्रोच को एक अकेडमिकली साउंड नेम दिया। इसे पॉजिटिव नॉन इंटरवेंशनिज्म कहा जाता है। इसके बाद जो हुआ वेल हिस्ट्री में देखा जा सकता है। वास्तविक संरचना या कहानी इससे थोड़ी अलग है। हांगकांग का फाइनेंशियली स्ट्रांग या प्रूडेंट होने का पहला रीजन ये है कि उसे ऐसा होना पड़ा। ब्रिटेन एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोट लोकल रेवेन्यू विल बी एडिक्वेट टू डिफ्रे ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हांगकांग, यानी हांगकांग की गवर्नमेंट का सारा खर्चा लोकल रेवेन्यू से ही चलता था। यहाँ तक कि ब्रिटेन ने हांगकांग को ब्रिटिश गैरिसन के मोस्टली एक्सपेंसेस उठाने को मजबूर किया था। ये एक 30-story मिलिट्री बेस था जो फाइनेंशियल सिटी के एकदम बीचों बीच था। दूसरा कारण था कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपेंडेंस आई। हांगकांग में रहने वाले ब्रिटिश एलिट्स का
कोई भी डिजायर नहीं था कि लंदन कंट्रोल करता रहे, जो फर्दर फंडिंग्स के लिए कंडीशंस जरूर जोड़ देगा। ऐसे में कम एक्सपेंडिचर के साथ हांगकांग, जो एक कॉलोनी थी, एक सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी बनता गया, जिससे अमीर लोगों को क्वीन के सामने हाथ फैलाकर हेल्प मांगने की जरूरत ना के बराबर महसूस होती थी। उन्हें डर भी था कि जनरस सोशल वर्क करने से नॉर्थ से कई माइग्रेंट्स हांगकांग ना आ जाएं। सो 1947 से 1997 के बीच हांगकांग केवल 7 साल में ही फाइनेंशियल डेफिसिट में रहा। फाइनली और डिस्टर्बिंगली, फ्री मार्केट आइडियोलॉजी ने ब्रिटेन के फेलियर और उसके जस्टिफाइड एथनिक डिस्क्रिमिनेशन से खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लिया। साधारण मान्यताओं के अपोजिट, हांगकांग कभी एक डेमोक्रेटिक रीजन नहीं था। ब्यूरोक्रेट्स का अपॉइंटमेंट 5000 मील्स दूर से होता था, ना कि पॉपुलर वोट से। एक इनविजिबल हैंड की सपोज मेरिटोक्रेसी एक कन्वीनियंट स्पेस गोट का काम करती थी, और इससे कॉलोनियल गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ लेजिटिमेसी मिलती थी। हांगकांग को पॉलिटिक्स से ऊपर माना जाता था, जो सिटीजन्स को प्रॉस्पर करने का अलाउ करने वाले एक तरह के न्यूट्रल टेक्नीशियंस द्वारा चलाई जा रही थी। हालांकि इन रियलिटी 1% ब्रिटिश पॉपुलेशन को जोनिंग लॉज, एलीट स्कूल्स और फेवरेटिज्म के कारण अनफेयर एडवांटेज मिलता रहा। जैसा आप समझ सकते हैं कि हांगकांग का कैपिटलिस्ट सफर आइडियोलॉजी से उतना प्रभावित नहीं है जितना हिस्टोरिकल ऑकरेंसेस से इम्पैक्ट होता है। हांगकांग के लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को ऑफन इस मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे एविडेंस के तौर पर पेश किया जाता रहा है। यह आर्गुमेंट नेचुरल रिसोर्सेज की एक नैरो डेफिनेशन पर बेस्ड है। क्या सिंगापुर और हांगकांग जैसी स्ट्रेटजिकली लोकेटेड ज्योग्राफी रिसोर्सेज के लिए एक बेस्ट और लीस्ट करप्टेबल नहीं है? ये सवाल खड़ा होता रहता है। पर हांगकांग ने यही पॉलिसीज क्यों अपनाई जो इसने अपनाई हैं? इस सवाल के रिगार्डलेस, आज का हांगकांग ना तो कैपिटलिज्म इन प्रैक्टिस का बेस्ट एग्जांपल है और ना ही इसके डेंजर्स का स्ट्राइकिंग एग्जांपल बन रहा है। इसे ऐसे समझें कि आज का हांगकांग मोस्टली ट्रेडिशनल और हिस्टोरिकल कैपिटलिज्म से बना हुआ है। ये मोनोपोलीज पर चलता है और मोनोपोलीज की लिस्ट बहुत लंबी है। इसके वन एंड ओनली कंटेनर पोर्ट, यानी जो दुनिया का 8th largest पोर्ट है, उस पर केवल 2 कंपनीज, ह्यूचिनसन और मॉडर्न का कंट्रोल है। ये दोनों 24 बर्थ में से 21 को कंट्रोल करती हैं, यानी करीब 87%। प्राइवेटली ओन जॉकी क्लब के पास गैम्बलिंग में पूरा कंट्रोल है, जो रिटर्न में अक्रॉस सिटी चैरिटीज चलाता है। इस चैरिटी को परहैप्स इससे केवल गिल्ट एक्सप्लेन कर सकता है। गवर्नमेंट केयरफुली पब्लिक बसेस और बस कंपनीज को रेगुलेट तो करती है, पर ये भी केवल 2 मेजर प्लेयर्स, यानी KMB और न्यू वर्ल्ड फर्स्ट बस के हाथों में है। हांगकांग के केवल 2 मेजर इलेक्ट्रिक कंपनीज हैं, चाइना लाइट एंड पावर और हांगकांग इलेक्ट्रिक, जो अलग अलग इलाकों में सर्व करती हैं। इस 8 मिलियन पॉपुलेशन वाले शहर में फ्रेश बीफ का 1-1 पाउंड केवल एक प्राइवेट कंपनी एनजी फंग हांग से आता है, जिसके पास कैटल्स को इंपोर्ट करने का एकमात्र लाइसेंस है। एग्जाम्पल मोनोपोली है। लाइकवाइज कस्टमर्स के पास गैस के लिए केवल 1 ही कंपनी है, लेकिन सभी मोनोपोलीज जब रिटेल डुओपोली से तुलना होती है तो धुंधली हो जाती है। केवल 2 कॉन्ग्लोमरेट्स एक सब डायरीज के टैंगल्ड मेस के जरिए कई सारे रिटेल स्टोर्स ओन करते हैं। कि हांगकांग में रहने वाले किसी के लिए भी ये इम्पॉसिबल हो जाता है कि किसी एक को पैट्रनाइज ना करें। एक है जैडीन मैथेसन, जो डेयरी फार्म इंटरनेशनल ओन करता है, जो फर्दर एवरी लोकल मैनिंग्स, आईकिया, वेलकम, पिज्जा हट, मार्केट प्लेस बाय जेसन्स, स्टारबक्स, KFCs और शहर के 700 7-Elevens को ओन करता है। दूसरा है CK ह्यूचेसन होल्डिंग्स, जो हांगकांग के रिचेस्ट मैन ली का शिंग ने स्टैब्लिश किया था। ह्यूचेसन ओन्स AS वॉस्टन ग्रुप, जो फर्दर फ्यूजन, वॉटसन्स, पार्क एंड शॉप, टेस्ट एंड फोर्टिस जैसे रिटेल स्टोर्स ओन करता है। वॉटसन एंड मैनिंग्स नियरली पूरा पर्सनल केयर मार्केट ओन करते हैं, जबकि इनमें से ही वेलकम और पार्क एंड शॉप दो सबसे बड़े ग्रोसरी स्टोर्स हैं। इससे यह बात सरप्राइजिंग नहीं लगती कि ग्रोसरीज हांगकांग में टोक्यो, सिंगापुर और UK से ज्यादा महंगी हैं। इन मोनोपोलीज और ड्यूओपोलीज के अलावा हांगकांग में हिडन टैक्सेस रेजिम भी हैं। जबकि हांगकांग का कोई कैपिटल गेन नहीं है, सेल्स और विथहोल्डिंग्स भी नहीं है, और ना ही वैल्यू एडेड टैक्सेस हैं, पर ये घरों पर एक बहुत ज्यादा स्टैम्प ड्यूटी लेता है। लोकल्स को उनके पहले घर के लिए 15% स्टैंडर्ड टैक्स पे करना होता है, और नॉन परमानेंट रेसिडेंट्स को 30% टैक्स पे करना होता है, जो इफेक्टिवली किसी भी फॉरनर को यहाँ घर खरीदने से रोकता है। पर गवर्नमेंट फ्री मार्केट को अपने हिसाब से रन होने देती है और उसमें बीच में नहीं पड़ती।
है ना, वरना डिकेड्स तक ये दुनिया की सबसे इकोनॉमिकली फ्री कंट्री कैसे बनी रही। इस सवाल के जवाब के लिए हमें हांगकांग की केवल एक स्कीम यानी फूड ट्रक पायलट स्कीम को देखने की ज़रूरत है। 2015 में हांगकांग गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि फूड ट्रक चलाए जाएंगे, जो उस वक्त तक ग्लोबली ऑलरेडी पॉपुलर हो चुके थे। गवर्नमेंट का सोचना था कि इससे टूरिस्ट अट्रैक्ट होंगे। 9 महीने की स्टडी और 1 साल की प्रिपरेशन के बाद पायलट स्कीम लॉन्च की गई। 8 मिलियन पॉपुलेशन वाले देश में केवल 8 ट्रक्स को अलाउ किया गया। इसमें भी रूल्स थे, जैसे किचन कम से कम 65 स्क्वायर फीट का होना था, ट्रक में 32 गैलन का वाटर टैंक होना चाहिए और सिंक कम से कम 1.5 फीट की होनी चाहिए। इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए रेस्टोरेंट ऑनर्स को पूरी तरह नए व्हीकल्स या यूं कहें कि कॉस्टली व्हीकल्स में इन्वेस्ट करना पड़ता था। मेन्यू के कोई भी चेंज गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना इम्पॉसिबल थे और टेबल्स और चेयर्स रखने की इजाज़त नहीं थी। हालांकि उन्होंने कन्वीनियंटली एक एप्लीकेशन बनाई जो इन ट्रक्स की लोकेशंस बताती थी, बट इस ट्रक को मूव करना अलाउड नहीं था। उन्हें एक ही जगह रखा जाता था और अपने ग्रॉस रेवेन्यू को 15% पार्किंग को देना होता था। आयरोनिकली दोस्तों, ये स्कीम फ्री मार्केट कैपिटलिज्म का बेस्ट एग्जाम्पल है। बुरी चीज़ें जल्दी फेल हो जाती हैं और अच्छी बातें रह जाती हैं। शेफ्स फ्री थे नए एक्सपेरिमेंट करने के लिए और एंट्री में बैरियर्स भी कम थे। एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट जिससे कंज्यूमर को बेनिफिट होता है। पर इतने सारे रेगुलेशंस क्यों थे? दोस्तों, ग्रोसरीज और यूटिलिटीज एक्सेट्रा में हांगकांग का लेसेज फेयर एटीट्यूड यानी लेट अलोन एटीट्यूड होना, पर फूड ट्रक्स को माइक्रो मैनेज करना इस अप्रोच को क्या सबसे अच्छे से एक्सप्लेन करता है। ये दोस्तों रियलिटी में बड़े कॉरपोरेशंस को बेनिफिट के लिए है। ये बायर जो दिख रहा है, ये फ्री मार्केट की डायरेक्शन में या इन जनरल नॉन इंटरवेंशन की ओर नहीं है, बल्कि स्टेटस को मेंटेन करने की डायरेक्शन में है, जो लार्जेस्ट कॉरपोरेट्स को बेनिफिट देता है। हांगकांग एक फ्री मार्केट पैराडाइज की तरह नज़र इसलिए आता है क्योंकि वो बड़ी कॉरपोरेशंस को फ्री साम्राज्य देता है, तब तक जब तक वो कॉरपोरेशंस हैं। पर वहीं यदि कोई छोटा बिजनेस है, जैसे फूड ट्रक फॉर एग्जांपल, हांगकांग अचानक आइडियोलॉजिकली बहुत स्ट्रिक्ट नज़र आना बंद हो जाता है। इसका बिहेवियर केवल प्रो बिजनेस है। हांगकांग के 1/3 एम्प्लॉयज़ वीकली 48 घंटे या ज़्यादा काम करते हैं। इससे ये मोस्ट ओवरवर्क्ड सिटी ऑन द अर्थ बन जाता है। यहाँ मिनिमम वेज लो है और कुछ CEOs को कोविड ट्रैवल क्वारंटीन भी बाईपास करना अलाउड है, जो नॉर्म दुनिया भर में स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व किया जा रहा है। हांगकांग के लिए एक एक्यूरेट वर्ड है, कॉरपोरेटोक्रेसी। इट मींस रूल बाय कॉरपोरेशंस। तो दोस्तों, ये थी हांगकांग की कहानी, द मोस्ट कैपिटलिस्ट प्लेस ऑन अर्थ। दोस्तों, आपके हिसाब से क्या हांगकांग के मॉडल से इंडिया को भी कुछ सीखना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।